हेलो एवरीवन, पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका मैं स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं फ्री रेडिकल रिएक्शन इंटरमीडिएट। इससे पहले दो रिएक्शन इंटरमीडिएट की हम बात कर चुके हैं, कार्बो कैटायन एंड कार्बो एनायन। आज हम बात करेंगे फ्री रेडिकल की। होमोलाइटिक क्लीवेज की वजह से स्टूडेंट क्या जनरेट होता है? फ्री रेडिकल, होमोलाइसिस। और हिड्रोलाइसिस की वजह से हमने स्टडी किया था क्या जनरेट होता है हमारा? कार्बोकैटायन और कार्बेनायन। तो अगर मैं बात करूं फ्री रेडिकल होते क्या है, बिल्कुल सिंपल सी बात करूं, मान लो मेरे पास क्लोरीन गैस है स्टूडेंट, और मैंने इसको लाइट इसके ऊपर से पास किया, इसको हीट किया, तो यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन आपस में इक्वली शेयर्ड हो रहे हैं, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी और इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सेम है, तो ये क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में ब्रेकअप जो होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, और यहाँ क्या बन गया, दो मोलिक्यूल सीएल के। तो अगर कोई स्पीसीज एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर कैरी करता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल क्या होते हैं, रेडिकल हैविंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसी तरह जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, जैसे मान लो मेरे पास मिथेन है CH3H और मैंने इसकी होमोलाइसिस कर दी, तो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, मुझे क्या मिल गया स्टूडेंट, मिथाइल फ्री रेडिकल, और प्लस क्या मिल गया, एच फ्री रेडिकल। तो ये जो फ्री रेडिकल जनरेट होता है यही रिएक्शंस को क्या करते हैं, कैरी कराते हैं। कई ऐसे रिएक्शंस हैं जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू चलते हैं, जैसे कि हम एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल की बात करें, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा इसकी वीडियो भी मैंने बना रखी, वहां पर आप जा सकते हैं, एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल। तो यहां पर जब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो किसके थ्रू होता है, फ्री रेडिकल। जितनी भी, यानी कि अगर हम एल्केन की हम बात करें, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, तो ये भी किसके थ्रू होता है स्टूडेंट, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, यानी इंटरमीडिएट क्या जनरेट होता है, फ्री रेडिकल। इसी तरह जब आप जनरली जितनी भी पॉलीमराइजेशन है, जितनी भी पॉलीमराइजेशन, पूरा पॉलीमर चैप्टर पढ़ते हैं, तो वहां पे जब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो जो इंटरमीडिएट बनता है स्टूडेंट वो क्या बनता है, फ्री रेडिकल। तो इस तरह हमें कई रिएक्शंस ध्यान रखनी पड़ेगी कि किन किन ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या क्या इंटरमीडिएट जनरेट होते हैं। मैंने पिछली रिएक्शंस में ही बताया था कार्बन आयन के लिए भी और कार्बोकैटायन के लिए भी, तो ये आपको रिएक्शन भी याद रखनी। कई बार रिएक्शंस पूछ लेते हैं कि किस रिएक्शन में फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट जनरेट होगा, तो आपको रिएक्शंस भी याद होनी चाहिए। अब बात आते हैं कितने टाइप के होते हैं स्टूडेंट, तो टाइप तो बहुत सारे रहते हैं, मगर हम बेसिकली अगर क्लास प्लस वन की और बेसिक की बात करते हैं तो हम चार टाइप में बोलते हैं, मिथाइल फ्री रेडिकल, प्राइमरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल और टर्शरी। अब हम स्टूडेंट इसकी बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। तो जैसे हम कार्बन को देख रहे हैं, कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है स्टूडेंट, तीन बॉन्ड बना रहा है, और इसलिए इस कार्बन की अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें स्टूडेंट, तो ये कार्बन याद रखिए आप कि फ्री रेडिकल में जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से ट्राइगोनल प्लेनर इसकी क्या बनेगी, ज्योमेट्री। मैं इसका जो एक पी ऑर्बिटल एम्प्टी, यहाँ पे जो पी ऑर्बिटल रहता है एक जो बच गया, उसके पास एक क्या रहेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो आपको याद रखने वाली बात क्या है कि फ्री रेडिकल में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है वो पी ऑर्बिटल के अंदर लाइव करता है। तो ये इसका क्या हो गया स्टूडेंट, स्ट्रक्चर हो गया। अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की। तो स्टेबिलिटी की बात करें स्टूडेंट, तो हमने भी बात की कि चार टाइप के कार्बोकैटायन है। जनरली जो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया जाता है वो किया जाता है हाइपर कंजुगेशन के थ्रू, यानी हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस के थ्रू हम क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। मोस्टली जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी फ्री रेडिकल में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा फ्री रेडिकल है, तो उसको हम समझ लेते हैं। मान लो मेरे पास ये तीन फ्री रेडिकल है स्टूडेंट, अब मैं इसकी बात करूं, यहां तो फ्री रेडिकल एक ही पड़ा हुआ है, यहां बात करें तो इसके पास तीन अल्फा हाइड्रोजन है, यहां बात करें जहां फ्री रेडिकल उससे नेक्स्ट वाले को हम अल्फा बोलेंगे, सिक्स अल्फा हाइड्रोजन है, और यहां बात करें तो इसके पास नाइन अल्फा हाइड्रोजन है। अब जिन स्टूडेंट्स को अगर ये अल्फा हाइड्रोजन का थोड़ा कॉन्सेप्ट या हाइपर कंजुगेशन के बारे में स्टूडेंट नॉलेज नहीं है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में जीओसी के दे दूंगा हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, उसको आप डिटेल में स्टडी कर लें, यहां पे भी मैं बता रहा हूं मगर ज्यादा डिटेल में आप वहां से स्टडी कर सकते हैं। अब हाइपर कंजुगेशन क्या होता है थोड़ा सा मैं उसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि मान लो यहाँ पे है ये, अब इसके पास क्या है,
तीन अल्फा हाइड्रोजन है, तो उससे होता क्या, हाइपर कंजुगेशन कैसे होता है वो भी देख लीजिए स्टूडेंट। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, क्या बन गया, यहाँ पे बॉन्ड बन गया, और इसका एक इलेक्ट्रॉन किसके पास गया, हाइड्रोजन के पास, तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, एच सी, और यहाँ पे एच क्या बन गया, फ्री रेडिकल, एच डबल बॉन्ड सी एच टू। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं, क्योंकि ये एच फ्री रेडिकल और इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। अच्छा, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, पाई में, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड सिग्मा पाई कंजुगेशन। अब आप कहेंगे सर केवल यही हाइड्रोजन क्यों जा रहा है, ये भी जा सकता है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही है, ये भी जा सकता है, और अगर ये जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा स्टूडेंट, इस टाइप से ये स्ट्रक्चर शो करेगा, इसका सेकंड ये बन गया। फिर आप कहेंगे सर ये भी जा सकता है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही, ये भी जाएगा स्टूडेंट, तो ये कितने हाइपर हाइड्रोजनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं स्टूडेंट, तो हम कहेंगे तीन, जितने अल्फा हाइड्रोजन है उतने हाइपर हाइड्रोजनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा। और आपको पता है रेजोनेंस में भी हम कहते हैं और हाइपर कंजुगेशन में कहते हैं, हाइयर इज द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, हाइयर इज द स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज। अब यहाँ पे जो फ्री रेडिकल की बात करें, ये तीन अल्फा इसके पास है, तीन हाइपर हाइड्रोजनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा, ये इसी तरह सिक्स करेगा, और ये कितने करेगा, नाइन करेगा, तो आप देख सकते हैं कि स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, टर्शियरी। तो अगर आपके पास टर्शियरी फ्री रेडिकल है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, मिथाइल है, तो आपने फटाफट से जवाब देना है सर टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी, सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, और प्राइमरी ग्रेटर देन मिथाइल। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया कि किस तरह से हम फ्री रेडिकल के मैकेनिज्म स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। अब मैंने कुछ क्वेश्चन मेंशन कर रखे हैं, वहां से थोड़ा सा लेवल को और बढ़ाते हैं, रेजोनेंस को भी समझते हैं कि रेजोनेंस कैसे फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को एनहांस करता है। तो अगर हम पहला क्वेश्चन देखें स्टूडेंट क्या है, ध्यान से देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कहा है विच इज मोर स्टेबल रेडिकल। आपके पास चार मैंने यहाँ पे रेडिकल दे दिए, ए बी सी ऑप्शन करके आपके पास क्वेश्चन आ गया। अब आपको देखना है इनमें ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो देखिए देखने का बिल्कुल आसान सा तरीका क्या है, मान लो मेरे पास यहाँ पे है, तो इसके पास देखिए तो दो अल्फा हाइड्रोजन है, और दूसरा क्या यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है, मान लो इसने इलेक्ट्रॉन दिया और यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन ये गए, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन अगर रेजोनेंस पाएंगे तो बॉन्ड टूट जाएगा, यानी यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा, तो यहाँ पे केवल दो अल्फा हाइड्रोजन की वजह से हाइपर कंजुगेशन होगा। यहां बात करें स्टूडेंट तो इसको भी ठहरे करते हैं, क्योंकि मेन ये है, यहां बात करें तो यहाँ पे भी नहीं होगा, और यहां बात करें यहाँ पे भी हो, मगर जो बी ऑप्शन है उसको मैं थोड़ा सा आपको खोल भी लिखता हूं, और वहां से आपको समझ आ जाएगा कि हम करना क्या चाहते हैं। तो आपका आंसर एक्चुअल में क्या है, बी है, क्यों है वो समझ लेते हैं। मान लीजिए मैं कह रहा हूं सी एच, और इसके पास क्या है, तीन हाइड्रोजन, और ये फ्री रेडिकल है। अब एक तो पहली बात कि इसके पास यहाँ पे तीन अल्फा हाइड्रोजन है, ये तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट शो करेंगे ही करेंगे इसके साथ, एक तो ये कॉन्सेप्ट लग गया। दूसरा क्या है, यहाँ पे रेजोनेंस भी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन गया और इसका एक इलेक्ट्रॉन गया, तो अब इसका अगर हम बात करें तो यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट भी यहाँ पे इसको क्या कर रहा है, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। मिथाइल तो लगी रहा है, यहाँ पे ये चला गया, अब एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, यहाँ पे, यहाँ फ्री रेडिकल जनरेट हो गया ये सारा। अब सेम इसी तरह ये प्रोसीजर चलता रहेगा स्टूडेंट, इसके बाद दो इलेक्ट्रॉन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, फिर फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जब कोई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में चला जाता है फ्री रेडिकल, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन जाती है स्ट्रक्चर की, और जिसकी वजह से जितना ज्यादा आपका फ्री रेडिकल डीलोकलाइज होगा उतना ज्यादा वो क्या हो जाएगा, स्टेबिलाईज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए इसी तरह आगे चलता जाएगा, ये अभी और बनेंगे, फिर यहाँ पे फ्री रेडिकल है, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका यहाँ बॉन्ड, फिर ये चला गया यहाँ पे, तो आप इस टाइप से इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि एक तो ये हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट की वजह से स्टेबिलाईज हो रहा है, दूसरा रेजोनेंस की वजह से भी हो रहा है, बाकी ऐसा किसी भी ऑप्शन के अंदर आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी, इसलिए आपको ऑप्शन क्या होगा, बी। एक तो कई बार आ जाएगा तुम्हें चार स्ट्रक्चर दे देंगे, इनमें से बताओ स्टेबल कौन है, कई बार आपको स्ट्रक्चर दे देंगे, कहीं इनको अरेंज करो, मैंने इनके ऑप्शन यहाँ पे मेंशन किए हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड दे दिया, अब इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी की बात करनी है, तो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। अब अगला देखिए क्या है, अब यहाँ पे देखे अगर हम ध्यान से स्टूडेंट, तो ये मेरे पास फ्री रेडिकल यहाँ पे है, इसके पास दो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है, यहाँ पे ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी, तो दो यहाँ पे है, दो यहाँ, तो इसके पास सिक्स अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे अगर हम आते हैं फ्री रेडिकल के पास, ध्यान से देखिए, तो एक तो हाइड्रोजन ये पड़ा,
और तीन ये हैं, तो इसके पास फोर अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। और यहां पे अगर हम जाएं तो इसके पास केवल एक ही अल्फा हाइड्रोजन ये है, बट इस लास्ट वाले स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखें स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या खास बात आ गई जिसकी वजह से ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, वो है फ्री रेडिकल का रेजोनेटिंग। अब यहाँ पे रेजोनेंस भी शो कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसका और जो ये है एक इलेक्ट्रॉन इसका और ये इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ पे, तो इसका जो एक स्ट्रक्चर बनेगा ये रेजोनेंस भी शो कर रहा है और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी शो कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे रेजोनेंस भी हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी हो रहा है, इसलिए अगर मैं इनको ए बी सी कह दूं, ये ए है ये बी है और ये सी है, और मैं कहूं कि भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताओ, तो सबसे कम स्टेबल जो होगा वो बी है, बी के बाद आपका आ जाएगा क्या ए, और सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा वो होगा सी ड्यू टू रेजोनेंस। यहाँ पे सिक्स अल्फा हाइड्रोजन है, ये फोर है, तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन हो और यहाँ भी। तो इस तरह से आप बड़े आराम से इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, और ज्यादा थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं। अब तीन फिनाइल ग्रुप आ गए, जब फिनाइल आ जाता है और उसके ऊपर फ्री रेडिकल की अगर जनरेशन होती है उसके पास, तो वो सबसे स्टेबल हो जाता है। मैं तीन बार लिख दिया स्टूडेंट, काफी बड़ा हो जाएगा मगर आप समझ सकते हैं। अब ये है, जैसे मैंने यहां लिखा C6H5 का थ्राइस, तो तीन है ये भी सर। अब आप देख सकते हैं, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि कैसे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ पे, तो इसका हाइपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा स्टूडेंट, अगर हम ध्यान से देखें, यहां पे फ्री रेडिकल आ जाएगा, डबल बॉन्ड सी फिनाइल फिनाइल, ये बेंजीन यहाँ पे भी आगे भी चलेगा, तो इस तरह से अभी चलता जाएगा, इसके साथ हाइपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा, इसके साथ करेगा रेजोनेंस, इसके साथ करेगा, तो इतने सारे हाइपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे कि सबसे स्टेबल आपका क्या हो जाएगा, तीन। जब उसके बाद दो है C6H5 का ट्वाइस CH फ्री रेडिकल, तो इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, मतलब दो बेंजीन के अंदर हो रहा है, यहाँ पे तीन बेंजीन के अंदर हो रहा है। अगला बात करें तो टर्शरी और सेकेंडरी है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया है कि टर्शरी और सेकेंडरी में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, टर्शरी, क्यों, इसके पास नाइन अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास सिक्स है, इसमें केवल हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, तो हमारा जो ऑर्डर हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे इसको अगर मैं ए बी सी डी मेंशन कर दूं, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ए फिर बी फिर सी और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, डी। तो इस तरह से स्टूडेंट आप फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को समझ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जहां कहीं आपको डाउट लगता है कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। नेक्स्ट इंटरमीडिएट कार्बीन की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।